We made the world smaller. We are network engineers and the technology that makes it possible is the optical fiber communication. तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्योरली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है. साथ ही साथ मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा इतिहास बताया था कि पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था और फिर बाद में ऑप्टिकल फाइबर से कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आया. लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था लेकिन काफी इंटरेस्टिंग था, एक बार आप उसको जरूर देखेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की. तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑप्टिकल और फाइबर. ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट और फाइबर का मतलब तार, मतलब एक ऐसा तार जिसमें हम लाइट को पास करा दें उसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. देखिए जो लाइट होता है ना ये बहुत ही चंचल होता है, रुक भी नहीं करती है. अब हवा ले लो, पानी ले लो, ग्लास ले लो, प्लास्टिक ले लो या कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो, ससुर यहाँ से घुसती है सट से यहाँ से लेकर रुक जा निकल जाती है, रुक भी नहीं करती है वो. मतलब ये लाइट नहीं है, ये हमारी गर्लफ्रेंड हो गई है, कभी सेटिस्फाई नहीं होती है. तो भाई साहब अब हमारी जो गर्लफ्रेंड थी वो सीबीएसई बोर्ड वाली थी, खाई चोमो मोमो चौमिन दुनिया भर खाए, अब एक खाए का इतना जुनून चढ़ गया कि मोमो वाले साथ भाग गए. बताइए उस दिन हमारा जब दिल टूटा ना तब हमको समझ में आएगा ससुराल ये प्यार व्यार नहीं था, ये सब अट्रैक्शन था. प्यार तो सिर्फ आपको आपके माँ बाप ही कर सकते हैं. खैर दोस्तों वो मेरा पहला प्यार था, पर कौन बोलता है कि पहला प्यार भूलता नहीं, दूसर की मस्त होनी चाहिए, समझे. दोस्तों बात करें लाइट की, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके गति में परिवर्तन होने की वजह से वो मुड़ जाती है अपने एक्चुअल पाथ से और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन. सिंपल सी बात है. अब इसका सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि आप अगर पानी में पेंसिल को डालेंगे तो आपको पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई मिलेगी. वो इसलिए मिलेगी क्योंकि जो एक्चुअल जो लाइट की रेज है वो अपने रास्ते से भटक गई है और बेंड हो गई है. तो एक्चुअल तो पानी में सीधी ही है पेंसिल, लेकिन आपको बाहर से ऐसा प्रतीत होगा कि वो पेंसिल को मुड़ गई है. सीधा सीधा एग्जांपल लीजिए, आप मान लीजिए खूब तेजी से दौड़ रहे हैं, तो अभी मीडियम क्या है, हवा है, तो काफी तेजी से दौड़ लेंगे. अब वही हवा से आपको पानी में घुसना है तो पानी में जाहिर सी बात है आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, पानी में कहां तेज दौड़ पाएंगे. फिर उसके बाद आपको कहा जाए कि पानी में दौड़ते दौड़ते आप सीधा ग्लास में घुस जाइए, तो मत घुसिएगा, कहीं से आपका मुंह फट जाएगा, सीधा आइसक्रीम पहुंच जाएंगे कि वो बिया भी नहीं करेगी. जो मीडियम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसी की स्पीड में परिवर्तन लाने के लिए. तो उसी तरह से लाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम चाहती है. जैसे कि आप प्रिज्म देखिए, प्रिज्म एक शीशे का ऐसा त्रिभुज तरह से होता है, जब इसमें लाइट रे पास करती है तो वो अपने एक्चुअल रास्ते से भटक जाती है और बेंड होकर बाहर निकलती है. साइंटिस्टों के लिए यही सबसे बड़ा सदर था कि जो लाइट रे है इसको ऑप्टिकल फाइबर में कैसे पास कराया जाए, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर होता है वो सिलिका ग्लास वगैरह का या प्लास्टिक का बना होता है. अब उसमें अगर लाइट रे पास करेगी तो ससुरी बाहर भाग जाएगी, हमको तो अंदर ही अंदर उसको पास करें तभी तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा. तो इसके लिए वो बहुत दिमाग लगाया था, कुछ समझ में नहीं आता. तब तक उनकी जो बीवी थी ना साइंटिस्ट की एक ठो, उसकी बीवी आई बोल रही, आई देखिए ना हाई डायमंड का रिंग है, पुरनका वाला यार दिया हमको, कैसा है बताइए ना. तो बड़ा चमक रहा था, तो देखा कि अच्छा है वो बोला. तब तक उसके दिमाग में आइडिया आ गया, बोला कि भैया डायमंड कहाँ चमक रहा है, डायमंड इसलिए चमक रहा है क्योंकि इसमें एक बार जब लाइट रे घुस गई तो वो लाइट बाहर निकल ही नहीं पा रही है, उसी के अंदर घुसी जा रही है, आपस में स्ट्राइक कर रही है. और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ती है ना तो एक इंसिडेंस एक एंगल बनाती है, उस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ जाता है तो जो लाइट रे है ना वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, ना कि वो दूसरे मीडियम में जाती है, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट करती है. अब जो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसको अचीव करने के दो तरीके थे, या तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया जाए, लेकिन हर एक पॉइंट पे उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये वाला प्लान तो हो गया फेल. अब दूसरा जो होता है वो ये है कि मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमको पता है कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे वो लाइट ट्रेवल करती है तो उसका जो झुकाव है लाइट रे का बेंड होने का वो बढ़ता रहता है. तो मान लीजिए अभी पहला कम डेंस था और ये रेयर मीडियम है, तो डेंस से रेयर में गया तो इतना मुड़ा, और डेंस किया तो और मुड़ा, और डेंस किया तो और मुड़ा, तो जब और करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपने ही मीडियम में वापस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा और वो अपने ही मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब लाइट रे यहाँ पास करेगी सट से और इसी में वापस ट्रैवल करना शुरू कर देगी. तो ये वाला प्रोसेस अचीव करना आसान था.
अब जो मटेरियल है ना वो सिलिका और प्योर ग्लास या फिर प्लास्टिक का बना होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें इम्प्यूरिटीज यानी कि डोपेंट्स को ऐड करना शुरू करते हैं। तो डोपेंट्स को ऐड करते 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 इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बढ़ना शुरू होता है और ये डेंसर मीडियम बनना शुरू होता है। तब एक लेवल एक टाइम ऐसा आता है कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो लाइट रे है वो बाहर निकल ही नहीं पाती है और वो लाइट रे आपस में अंदर ही अंदर ट्रेवल करना शुरू करती है। और जब ये हो जाता है तो हम ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को बड़े आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो ट्रेडिशनल कॉपर वायर था उसकी उससे बेटर होता है कि नहीं होता है ऑप्टिकल फाइबर। भाई जाहिर सी बात है जो ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स थे उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें लाइट फ्लो करती है और लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड से। तो ऑप्टिकल फाइबर एक तरह से 100 Gbps तक की कैपेसिटी देने को तैयार था और ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्टिकल फाइबर है। मतलब पूरे वर्ल्ड जो है आपस में आज ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड है आपस में समुद्र में। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि जो सबमरीन केबल मैप करके जो साइट है उसमें आप पूरा चेक कर सकते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ कितना कितना ओएफसी केबल बिछा हुआ है। जो बेसिकली AT&T, वेरिजॉन, गूगल, ये सब बड़े बड़े जितनी कंपनीज हैं इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखे हैं पूरे वर्ल्ड में और इनके सर्वर्स भी हैं अपना US, कैलिफोर्निया वगैरह सब जगह, मतलब अपने अपने सर्वर्स इन्होंने बैठा रखे हैं। तो मेन है आज हम जो पूरा वर्ल्ड जो आपस में कनेक्टेड है वो मेनली ऑप्टिकल फाइबर की मदद से कनेक्टेड है। अब जो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना ये बहुत ही पतला होता है, बहुत थिन होता है, मतलब हमारे बाल के साइज का होता है, इतना जितना बाल इतना पतला होता है। तो ये तो पटसे से टूट जाएगा, कोई भी कोई मछली गुस्से में तुम ना के तोड़ दे तो मतलब कोई भी तोड़ देगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर कई सारी लेयर की कोटिंग होती है। सबसे पहला जो होता है वो कोर होता है। कोर मतलब होता है एकदम फाइन सिलिका का ग्लास का ट्यूब होता है जो कि बना होता है। इसके ऊपर क्लैडिंग की लेयर होती है। क्लैडिंग मतलब मतलब एक तरह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिलिका का एक लेयर बनाते हैं जिससे कि कोई इसको तोड़े हुए ना। फिर उसके ऊपर 7-8 लेयर मेटल की कोटिंग की जाती है जिससे कि अगर मछली उसली अगर कहीं गलती दांत उत पड़ जाए तो जल्दी से ना कटे। तो इसका कई सारी प्रोटेक्शन दी जाती है तब जाके ये जो केबल है वो इतनी मोटी कम से कम तार के बराबर होती है। पर एक्चुअल में जो इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होती है बड़ी पतली होती है, वो एकदम बाल के साइज की होती है। तो ये तो ऑप्टिकल फाइबर की आपकी मेकिंग था। तो आज के इस लेक्चर में मैंने ये कम्प्लीटली कवर कर दिया कि ऑप्टिकल फाइबर का मैकेनिज्म क्या है, प्रिंसिपल क्या है और कैसे ये काम करता है और इंटरनेट कैसे काम करता है। इस पर मैंने पहले ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखा है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप उसको जरूर चेक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।